हाय अंदर, अरे चार्ज क्या होता है? व्हाट फ्लो इज ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। ना चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज क्या है? अच्छा पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। लिखो, दिस अ फंडामेंटल is a fundamental nature of any substance or nature of matter due to which it shows electrical and मैग्नेटिक फेनोमेना। क्या है ना कि एक टाइप का तुम्हारा कैरेक्टर है, जैसे गुस्सा। गुस्सा को क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि एक टाइप का नेचर है, एक टाइप का तुम्हारा कैरेक्टर है ना, ड्यू टू विच किसी को हम लोग कूट देते हैं या हम लोग किसी से कुटा जाते हैं। अरे ये तो होता है। हेलो यस सर, तो ये भी क्या है? चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल नेचर है किसी भी मैटर का, ड्यू टू विच जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकल या और मैग्नेटिक फेनोमेना शो करता है ना। अब ये जो चार्ज है, साहब आपने सुना होगा ये चार्ज दो टाइप का होता है, होता है नहीं होता? पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर, चार्जेस आर टू टाइप्स। एक को बोलते हैं क्या पॉजिटिव चार्ज, एक को बोलते हैं क्या नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है साहब? और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? अब क्या हुआ कि जब ये फंडामेंटल नेचर जब एक्चुअली देखा गया, तो फिर देखा गया कि ये ना दो टाइप का है। अब दो टाइप का है तो अब अगर ये तुम्हारा दो टाइप का है तो किसी को भी हम लोग तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि भाई कौन ये एक्चुअली पहले वाला और कौन ये भाई दूसरे वाला है? इसके लिए जैसे एक साइंटिस्ट आया बाद में, फ्रैंकलिन नाम दिया एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। क्यों ऐसा नाम दिया? क्योंकि वो बोला कि अगर ये दोनों को ना ऐड कर दो, एक पॉजिटिव चार्ज लो और एक नेगेटिव चार्ज लो, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाता, मतलब क्या नो चार्ज। तो ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स में शो करता है साहब कि अगर एक एक पॉजिटिव नंबर ले और एक नेगेटिव नंबर ले तो दोनों मिल करके अगर हमारा जीरो हो जाए तो ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है, नहीं होता? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। तो वो इस चीज को ना देखते हुए सिर्फ ये नाम दिया है कि ये एक्चुअली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली नेगेटिव नंबर है। मेरे कहने का ना मतलब समझ कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर -10 कूलम चार्ज है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये चार्ज हमारा नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि 10 कूलम नेगेटिव टाइप का चार्ज। हेलो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड तो 10 ही होगा, मैग्नीट्यूड तो 10 ही होगा। इसके पास जिस टाइप का चार्ज है ना, वो चार्ज नेगेटिव नेचर को शो करता है, बस ये चीज को समझो। सही है ना? जैसे दो टाइप का भाई चार्ज, अब एक को हम ना पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ना दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट नेचर का है। अब एक को हम लोग पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? इसका लॉजिक समझाए कि जब दोनों को ना मिक्सअप किया जाता है तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है। तो ना जैसे मैथमेटिक्स में एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव सेम क्वांटिटी का अगर तुम ले लो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो मिलता क्या है, जीरो। वही हाल यहाँ पर था। इस चीज को ही देखते हुए एक को पॉजिटिव बोला गया और एक को नेगेटिव बोला गया। अरे समझ पा रहे मेरी बात को?
हेलो, अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। अब एक चीज को और समझते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है साहब? कॉलम। हाँ, कॉलम नहीं कूलम। एक बार दोबारा हाँ, यूनिट ऑफ चार्ज देख बेटा, होता है कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम, है ना? इसको तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैपिटल सी से। इसको तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैपिटल सी से, है ना? अच्छा, एक चीज को और समझते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ऑन प्रोटॉन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। हाँ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा यूनिट माना गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो। और इसका एक्चुअली वैल्यू क्या है साहब? 1.6 × 10⁻¹⁹ सर, पीछे माइनस लगा। हाँ, हाँ, माइनस माइनस पीछे। इसको भी एक्चुअली माइनस ले लो। हम वो ना माइनस इसलिए नहीं नहीं ले रहे थे क्योंकि सेम चीज तुम्हारा प्रोटॉन पर भी आएगा ना, उस केस में वो ना पॉजिटिव रहेगा। अरे पॉजिटिव। सही है ना? यस सर। अरे यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, एक और चीज को समझ लो, यस सर। ये सब चीज तो हम लोग देख क्या रहे हैं? अरे प्रॉपर्टी सर। ऑफ चार्जेस देख रहे हैं। ये सब तो हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, कि भाई चार्ज का ना क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है साहब? कि ये सर तुम्हारा दो टाइप का। सर हाँ सर हाँ सर बोलो बोलो, फिर से का बता दीजिए। हाँ क्या बताते, फिर से बता। चार्जर हाँ, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक टू को पॉजिटिव चार्ज टाइप्स बोलते हैं, एक को ना नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। एक को पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब दोनों को ना मिक्सअप किया जाए सेम क्वांटिटी में तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिल जाता है? जीरो। ये चीज सिर्फ मैथमेटिक्स में ही पॉसिबल है, इसलिए एक को पॉजिटिव बोलते हैं और एक को नेगेटिव बोलते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और बोलो क्या बताना? अरे और बोलो क्या बताना? तो भाई साहब, ये लोगों से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो ये लोग का नेटवर्क नहीं है ना, और जैसे ही थोड़ा सा नेटवर्क आएगा बोलेगा रिपीट और फिर खुद भाग जाएगा। नहीं, बस ये लोग का ना नेटवर्क इसी चीज के लिए तो आता है, रिपीट गया। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? देखा देखा देखा, एक और आ गया। चलो अच्छा, इसके बाद आपने सुना होगा एक और प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस क्या करता है, मोहब्बत या नफरत? प्यार, रिपेल, नफरत करता है। अरे कौन है पर माइक ऑफ करा को गया। कौन है यार ये नफटा बांस? हाँ, लाइक चार्जेस वर्क रिपेल इच अदर, रिपेल है ना? यस और अगर अनलाइक चार्जेस रहता तो अट्रैक्ट 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 करता, है ना? ये भी एक प्रॉपर्टी है किसका साहब? चार्ज चार्ज, चार्ज का। है ना? अरे यहाँ तक क्लियर है ना? एक और प्रॉपर्टी देखो, तो बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। तो बोलते हैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। फिर उधर का बोर्ड क्लियर नहीं है, ये सर उधर का बोर्ड नहीं उधर का दिख रहा बॉडी अच्छे नहीं। से। देखो गर्मी,
चला, अरे यहाँ तक तो सबको दिखाई दिया है ना। यस सर। ठीक है, लिख ले इसको। ये फोर्थ में क्या लिखे हैं सर? फोर्थ में लिखे हैं मतलब एक्चुअली पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपेल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। ओके सर, ठीक है, लिख ले इसको। नया चैप्टर है, नई उम्मीद है। आशा की किरण के साथ, आशा की किरणों के साथ, है ना। देखो एक एक एक्चुअली कहानी सुनाते हैं, ठीक है। एक आदमी गया जंगल में, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी मतलब हमारे तुम्हारे जनरेशन से कम 5,000 साल पहले की बात है। एक आदमी गया जंगल में, तो जंगल में देखा कि दो बॉक्स रखा हुआ है ना, ठीक है, सुंदर सुंदर दो बॉक्स रखा हुआ और दोनों से कुछ आवाज आ रहा था। आदमी गया जाके पास में ना, देखा तो देखा कि बहुत लोग कैद है, बोला खोल दो प्लीज, खोल दो प्लीज, खोल दो, बाहर निकाल दो। एक जादूगर तो हम लोग को ना कैद करके चला गया, फलाना ढमकाना, रोया गया। इस बालक को भी थोड़ा सा दया आ गया, ये इसको खोल देता है। जब इसको खोलता है ना, तो सब वो रावण वाला हंसी लेकर के बाहर निकलता है। ये जो आदमी रहता है पूछता है, भाई कौन हो तुम लोग? एक बोलता है हम ना दुख है, एक बोलता है अहंकार है, एक बोलता है गुस्सा है, फलाना ढिमकाना, सब कोई बोलता है कि हम लोग ये है, अब हम लोग धरती पर जाएंगे, दुख फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये आदमी दुखी हो जाता है कि कला हम खोले क्यों, कर तो सकता नहीं, लेकिन कुछ एक्चुअली कर तो सकता नहीं है। अब भाई क्या करता, ये ना बेचारा निराश हो चुका था। तब तक ये जो दूसरा बॉक्स था, इस दूसरे बॉक्स से भी एक छोटा सा आवाज आया कि अब वो लोगों को खोले हो तो मुझे भी खोल दो। तो ये आता है, इसको बोलता है कि अब तुम कौन है भाई? तो बोलती है ये कि मैं आशा हूं, जब इतने लोगों को बाहर में छोड़ दियो तो मुझे भी कम से कम छोड़ दो, कि जहां पर निराशा आएगा कम से कम एक होप तो रहेगा कि हाँ शायद कुछ हो जाए। अरे समझे बात को? हेलो। यस सर। कहानी का सार ये है कि यस, चलिए वाला लिख लिया, कहानी का सार समझ लिया। अरे हुआ, लिख लिया, मिटा इसको। कुछ लोग तो सोच रहा होगा कि अच्छा चलो आवाज से डाइजेस्ट सुनने को मिलेगा, है ना। कहानी का कुछ लोगों के मन में वही आता है। कब आता है? एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, पांचवा प्रॉपर्टी। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये एक्चुअली क्वांटाइज शब्द क्या होता है सर? तो बोलते हैं कि मान लीजिए तुम ना दूध का पैकेट ले जाते हो, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि एक पाव दूध दो। अरे बोल सकते हो क्या? वो तो पैकेट आता मिनिमम हाफ केजी का। अरे नहीं आता यार, दूध का पैकेट नहीं देखा क्या तुम लोग? यस सर। हाँ सर, तो वो तो एक्चुअली मिनिमम पैकेट ही तुम्हारा तो आता है हाफ लीटर का ना, एक पाव का थोड़ी आता है, है ना। अब तुम जाके बोलोगे कि नहीं नहीं भाई साहब, हम तो हमको 325 मिलीलीटर चाहिए, बोले भाग यहां से, है ना। तो आइदर तुम एक्चुअली मतलब जब भी लोगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ ये लेना पड़ेगा, उससे नीचे पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में आया मेरा बात? तो ऐसे ही एक्चुअली चार्जेस का है, जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा
प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होता है, वेयर एन इज व्हाट इंटीजर 1, 2, 3 और ई क्या है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अभी जस्ट तुमको कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि मिनिमम चार्ज क्या पॉसिबल है, तो वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारा कहीं पर भी कोई भी अंदर एक्चुअली चार्ज आता है तो वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई बोला कि हमारे पास 2.5 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, ये झूठ बात है सच बात है? झूठ है ये, क्यों? क्योंकि मिनिमम चार्ज क्या पॉसिबल है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इसको अगर दो बार करेंगे तो ये 3.2 होगा ना यार। हेलो, अरे समझ में आ रहा मेरा बात? इसको दो ये भी सच है, लेकिन ये तो झूठ है ना, क्योंकि भाई 2.5 तो हो ही नहीं सकता। हेलो, अरे समझ में आया नहीं यार? ये 1.6 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, 5.4 हो सकता है, 6.8 हो सकता है। अरे हेलो, यस सर, ये बाय 2.5 तो हो ही नहीं सकता। ये भाई जब भी आएगा तो 16 का ही मल्टीपल आएगा, है ना? तो तुमको ये मल्टीपल आना जरूरी है, ये आना जरूरी है। कितना भी बड़ा चार्ज हो वो हमेशा इसी फॉर्म में आए, कितना भी छोटा बड़ा कितना भी चार्ज हो वो हमेशा इसी फॉर्म में आए। ऐसा ही क्यों होता है सर? के फॉर्म में आएगा सर? हाँ सुनो, बता रहा वो पूछ रहा है कि ऐसा ही क्यों होता है। अभी जस्ट बताया कि एक्चुअली मिनिमम चार्ज क्या पॉसिबल है, मिनिमम चार्ज फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना? जो तुम्हारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो उसको एक्चुअली मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज माना गया। अब इसके बाद जो भी आएगा वो उसी का मल्टीपल रहेगा। अरे समझ में आया मेरा बात? जैसे मान ले, एक छोटा सा एक्चुअली चीज बता रहा, मान ले कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर का ना लेंथ दिया गया कि भाई ये मिनिमम लेंथ पॉसिबल है, इसको हम ब्रेक ही नहीं कर सकते। अब भाई साहब दुनिया का जितना भी लेंथ होगा फिर तो उसी में मेरे को ना मेजर करना पड़ जाएगा। अरे समझ में आया? यस सर। यहाँ पर भी वही चीज है कि वो क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है, अब उसको हम फर्दर ब्रेक ही नहीं कर सकते, उससे छोटा कोई चार्ज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर, हम एक्चुअली प्रोटॉन का बात नहीं कर सकते। सुनो, बहुत जगह क्वार्क बता देते क्या ये क्या बोल रहा है केजरीवाल, किसी को समझ में आ रहा था? हिंदी ट्रांसलेटर के बताओ। ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट नहीं करता। अच्छा, तो वो क्वांटाइज करी कैसे? क्वांटाइज का मीनिंग क्या है? हमने एक्चुअली क्वांटिटी यूनिवर्स में जितना भी तुम्हारा क्वांटिटी तो है ना, वो दो टाइप से मेजर किया जाता है, एक तो एक्चुअली क्वांटिटी वाइज और एक को उसको क्या बोलते हैं यार, हम उसका ना टर्म याद नहीं आ रहा, उसको शायद एक्चुअली कंटिन्यूटी वाइज बोलते हैं। जैसे मान लो कि अब अगर पानी है, कोई अगर पानी है तो पानी को हम ना क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। अरे यार तुम ये थोड़ी बोलो कि ना पांच, तुम ये चीज नहीं बोल सकते कि ना उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई तुम ना 5 पानी दे दो, तुमको 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर बोलना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो? अरे उसको एक्चुअली क्वांटिटी वाइज तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे क्लास में एक्चुअली बच्चा कितना है, तुम ये बोलो भैया 28 है या 29 है, तुम ये थोड़ी बोलो कि 29.5 है। अरे यार हेलो,
लेकिन वाटर को तो बोल सकते हैं, लेकिन वाटर को तो बोल सकते हैं कि भाई 29.5 लीटर है। वो ये जो वर्ड आया तो है ना क्वांटाइज, ये तुम्हारा क्वांटिटी से आया है कि हाँ जिसमें एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सके। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। अरे 29.5 लीटर पॉसिबल तो है ना पानी, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे क्लास में भाई 29.5 बच्चा, वही हाल है यहाँ। अरे सही है ना? yes. किसी भी क्वांटिटी को जिसको इंटेग्रल मल्टीपल में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसको हम लोग क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं। किसी भी क्वांटिटी को, ऐसा नहीं कि यही चीज है, बहुत सारा एक्चुअली क्वांटिटी है जिसको हम लोग इंटेग्रल मल्टीपल में ही बोल सकते हैं। हेलो सर। यस सर। अब तुम्हारा रोल तुम ना डेटा सुनता होगा, कोरोना में तो इतना लोग मर गया, अब वो 3900 बोलेगा, 4100 बोलेगा, 4500 बोलेगा, जो जो सरकार को मनाता है वो सरकार बोल देता है ना, मर तो उससे ज्यादा लोग रहा है, ये सब कोई जानता है ना। अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि 3805.6 लोग मरा, अरे वैसे तो नहीं होता यार, है ना। तो ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी तुम्हारा क्वांटाइज्ड है, तो जो तुम्हारा क्वांटाइज्ड क्वांटिटी को हम लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे। हेलो। अरे समझ में आया नहीं यार? यस सर। और किसी को कोई डाउट इसमें? और किसी को कोई डाउट इसमें? अरे छोटा मोटा सब डाउट क्लियर हुआ या कुछ बाकी है इसमें? चलो तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर इनवेरिएंट। अब ये एक और नया वर्ड चला है, नया वर्ड दे दो या कुछ और दे दो। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चार्जेस does not depend on सर वीडियो क्लियर नहीं है सर। रेफरेंस फ्रेम माइक क्लियर है, मेरा नेट सही नहीं है। हाँ सही बोला, थैंक यू। जिसको ऑडियो क्लियर नहीं है वो घर में वाईफाई लगवाए, है ना। सर लोचा सिम का है, कौन सिम बेस्ट है पता ही नहीं चल रहा है। कौन सा सिम बेस्ट है एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा है। अरे ओए गरीबा, वाईफाई लगा रहे हैं, तुमको ये चीज ही पता नहीं कि कौन सा सिम अच्छा है इस देश में तो तुम क्या करेगा। देखो एक चीज बता रहा है, तुम मान लो कि अगर बीजेपी समर्थक है तो जियो ही अच्छा है ना, सस्ता। अगर इनके कांग्रेस समर्थक है तो एयरटेल नॉट बैड, है ना। बीएसएनएल और अब अगर वोडाफोन आईडिया समर्थक है तो बीएसएनएल समर्थक है, अगर आम आदमी पार्टी का समर्थक है तो तुम्हारे लिए आइडिया है, नया आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। आइडिया है केजरीवाल, है ना। उसके बाद और कौन सा है? वो हद चुच को सब वोडाफोन हो गया, वोडाफोन है, वोडाफोन और आईडिया मिक्स। वोडाफोन वो सब रीजनल पार्टीज के लिए है कि तुम अगर लालटेन छाप है, लालटेन छाप लोग वोडाफोन यूज करता है, वोडाफोन और आईडिया दोनों सर मिक्स है। अच्छा मिक्स हो गया, गठबंधन वीआई वो सब तो खैर ये लोग का तो भाई गठबंधन चलता रहता तो है ना, केजरीवाल ममता बनर्जी और पता नहीं कौन कौन है सर। गांव में हॉटस्पॉट लग रहा है सर, हर घर में। अच्छा कौन लगवा रहा है? हमारे यहाँ भी लग रहा है सर, बाहर बीत गया अभी तक इंटरनेट नहीं है, जिसको लेना है। सुनो बता रहा क्या है ना कि सरकार को अब अपना पाप तो भाई धोना है, तो हॉस्पिटल तो खर्च तो हर जगह बनवा नहीं सका, तो चलो कम से कम हॉटस्पॉट बनवा देते हैं ताकि फिर से वोट मिलेगा। सर मुखिया का चुनाव होने वाला है इसलिए भाई तू पार्टिसिपेट कर रहा है। हम आए क्या नहीं हो पाएगा? अरे जीतेंगे हम।
क्या चाहते हो, छोड़ दो नौकरी? यस चलो यार। हाँ सुनो, तो एक्चुअली चार्जेस आर इनवेरिएंट कहीं पर लिखा हुआ हो, इसका सीधा सा मतलब है कि चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, है ना। जैसे देख, एक चीज को समझते हैं, तुम्हारे पास ना मतलब आज ही गांठ बांध लो, किसी भी मैटर का दो फंडामेंटल नेचर होता है, एक उसका मास और दूसरा उसका चार्ज। सच्चाई यह ना कि मास को भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मास को भी जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना वो उसके नेचर को लेकर के ही डिफाइन करता है कि भाई साहब मास क्या है, तो ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट, अरे कुछ ऐसा ही करता है ना, फालतू फालतू लॉजिक कुछ देते रहता है। yes, लेकिन पूछो कि मास क्या है तो किसी के पास उसका आंसर नहीं है। मास का भाई साहब डेफिनेशन बताओ, चार्ज का एक्चुअली मतलब डेफिनेशन बताओ, तो किसी के पास उसका आंसर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसका आंसर नहीं है, बहुत सारा ऐसा चीज है इस नेचर में जिसको जिसके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, उसको डिफाइन ही उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से किया जाता है। जैसे कोई कोई बोला कि भाई गुस्सा क्या है, तो भाई गुस्सा को हम थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत को तो हम लोग थोड़े ही नहीं ये कर सकते, वो हम लोग शाहरुख खान तो है नहीं, तो हम लोग उसके एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए मोहब्बत को भाई डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता है। अरे यार भावनाओं में मत भाव, ठीक है ना। अरे समझ में आया मेरा बात? yes, कोई अगर बोलेगा, कोई अगर बोलेगा कि ना गाय का ना डेफिनेशन लिखो, तो गाय का डेफिनेशन क्या लिखोगे, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर ही गाय को कुछ बताओगे? yes, sir. अरे सही है ना, साइंटिफिक साइंटिफिक नेम बताएगा किसका, गाय का? यार बस हो गया, मैंने भी बोल दिया, ये एक्चुअली बॉटनी में कहां से घुस गया, साइंटिफिक नेम बताएगा? मनीष को बायोलॉजी से बड़ा प्यार है। हाय हाय, ये सर सपोर्ट करने के लिए आ गया। कौन बोला ये भी सुन लो, आवाज में रस। सुनो सर, अब वापस ऑफिस जाते। तो एक्चुअली चार्जेस क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। हम जो चीज बता रहे थे कि किसी भी मैटर का दो फंडामेंटल नेचर है, एक क्या है मास और एक क्या है चार्ज। और पूरा का पूरा जो तुम्हारा एक्चुअली फिजिक्स तो है ना, वो इन्हीं दो नेचरों पर है। जैसे क्लास नाइन्थ में जो चीज जो तुम लोग पढ़ रहा था वो पूरा मास के लिए पढ़ रहा था, फोर्स वोर्स, कोई पार्टिकल जा रहा है टकरा रहा है, तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फलाना ढिमकाना, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे यही सब तो मास के ऊपर ही तो था ना। हेलो, यस सर, यही चीज है तुम्हारा प्लस वन फिजिक्स। प्लस वन जो टोटल फिजिक्स है वो मास को के ऊपर है, और प्लस टू का जो पूरा फिजिक्स है वो चार्ज के ऊपर है। तो आज ही गांठ बांध लो कि किसी भी मैटर का दो ही फंडामेंटल नेचर है, एक मास और दूसरा चार्ज। अरे समझ में आया मेरा बात? हेलो, यस सर। अब कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं कि भाई साहब प्लस वन अगर स्ट्रांग रहेगा ना तो ही प्लस टू अच्छा चलेगा। अबे कैसे चलेगा भाई, वो कुछ और है, ये कुछ और है। अरे समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ लोगों से ना सुनो नहीं, प्लस वन मेरा वीक है ना तो इसलिए हमसे नहीं हो पाया। अरे प्लस वन वीक है तो उसका प्लस टू से कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अरे यार, नाइन्थ जिनका जिनका वीक हो वैसे प्राणी निराश ना हो, आए और मिले हर बुधवार को। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। बंगाली बाबा से प्रभात, प्रभात अर्पित मिलता है क्या? चलो हाँ, तो हम जो चीज बता रहे थे कि जो तुम्हारा चार्जेस है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या मास डिपेंड करता है क्या? हाँ, मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है। मास में क्या होता है ना कि जैसे जैसे किसी पार्टिकल का स्पीड जब एक्चुअली बढ़ता जाता है ना, तो उसका मास भी बढ़ता जाता है। मास के लिए फॉर्मूला है, वैसे तेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन साहब का एक फॉर्मूला है, मास इज इक्वल्स टू
एम नॉट अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। किसी पार्टिकल का अगर मास निकालना है तो आइंस्टाइन साहब ने फॉर्मूला दिया, वो क्या दिया, एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास, कि जब ये रेस्ट में था तो ये मास था इसका। अब तुम खुद से ये क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वी क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी है। अब कोई अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो वी जीरो तो एम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एम नॉट मतलब रेस्ट मास और ये मतलब मेन मास दोनों सेम है। अब जैसे जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज होगा, नहीं होगा, हेलो, यस सर, और ये क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो ये वाला पूरा क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये एम क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, हेलो, तो मास भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, हेलो, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ सी है स्पीड ऑफ लाइट, सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। खैर ये किसी काम का इक्वेशन नहीं है, ऐसे स्टाइल मारने को बता रहा सर। हाँ सर, हाँ बोलो सर, वेलोसिटी बढ़ने से मास कैसे बढ़ेगा, देख ना तेरे सामने इक्वेशन है, ये हम तो नहीं दिए, आइंस्टाइन साहब दिए हैं। m equals to m naught upon root of 1 minus v square by c square। velocity को अगर increase कर दोगे तो ये वाला quantity क्या होगा, decrease होगा, जब decrease होगा तो जो net mass होगा वो increase होगा। ये तो theory में से proof है ना सर, practical, practical अब उस प्रैक्टिकल के लिए चक्कर क्या है ना, कि उस स्पीड तक तुम अगर जाओगे तो मेजर कौन करेगा तेरे मास को, ये तो बताओ। हम दौड़ते हैं तो तुम्हारा मास बढ़ जाता हो, हाँ बिल्कुल बढ़ जाता, बिल्कुल बढ़ जाता। अच्छा सुनो, अपना ये काम नहीं है कि हम वो आइंस्टाइन का ना डाउट तुमको समझाते रहे, इतना बड़ा अगर हम रहते तो हम यहाँ रहते, गुरुकुल में रहते। आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन दिया, हम तुमको ये स्टाइल मारने को सिर्फ बता रहे थे कि ऐसा ही होता है। अच्छा ये मास, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मास वेलोसिटी डिपेंडेंट चीज है, मेरे कहने का बस एक ही मकसद था कि मास क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट चीज है, कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो मास भी डिक्रीज होकर के एक सर्टेन अमाउंट पर चला आता है, जिसको हम लोग रेस्ट मास बोलते हैं। अगर वेलोसिटी जीरो तो मास का एक मिनिमम जो अमाउंट होता है उसको हम लोग रेस्ट मास बोलते हैं, ठीक है, लेकिन चार्जेस के साथ ऐसा नहीं होता। अरे समझ पा रहे मेरी बात को, तुम्हारा चार्ज को किसी भी स्पीड में लेकर के जाओगे वो उतना ही रहेगा, हेलो, अरे समझ ही नहीं पाया मेरी बात, मास का अगर स्पीड बढ़ाते हो तो इसका मास इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चार्ज का अगर स्पीड बढ़ाओ तो चार्ज को इससे कोई लेना देना नहीं, चार्ज वही रहेगा जो इसके पहले था वो। अरे समझ पाया, यस सर, सही है ना। अच्छा और कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज जो है ना वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और प्रॉपर्टी लिख लो, लिखो इसको, चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लिखो, चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब अगर प्रोटॉन है भाई साहब, तो प्रोटॉन के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ मास भी है कि नहीं यार, मिनिमम चार्ज क्या पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो कुछ मास है ना यार, हेलो, यस सर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.81 × 10⁻³¹ kg, तो पूरा रट्टा मारा हुआ है क्या यार, फुल एकदम मेडिकल का इसका प्रिपरेशन चल रहा है अभी से, है ना।
आशीष सर बोलते रट्टा मार लेने के लिए सब। अच्छा चलो ठीक है, राष्ट्रपति बोलते रट्टा मारो, बोलते मामले बना दो। अच्छा अच्छा तो 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 केजी इलेक्ट्रॉन का मास। अब मिनिमम चार्ज तो वही पॉसिबल है तुम्हारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ साहब कि चार्ज जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ मास उसके पास रहेगा तो ही आएगा, है ना। लेकिन तुम सोचो कि जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज तो है नहीं लेकिन उसका मास तो है भाई साहब। हेलो, अरे यार Yes, तो इसका yes, मतलब अभी जस्ट तुमको लिखवाए हम, क्या लिखवाए कि तुम्हारा चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अरे सही है ना। अच्छा अब एक चीज को समझते हैं, अब एक चीज को समझते हैं, आज ही गांठ बांध लो। बहुत जगह हम देखते हैं ये एक्चुअली कंफ्यूजन लोगों ने फैलाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझते होंगे। एक ना कंफ्यूजन तो होता है, एक चीज होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स का नाम सुना क्या? क्वार्क्स का नाम? यस सर, यस सर। अच्छा क्वार्क्स क्या होता है सर? अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काट के देखोगे ना तो उसके अंदर को क्वार्ट्स मिलेगा, मगर हम काट नहीं सकते हैं। ये मतलब हमें मतलब हम अज्यूम करते हैं उसके अंदर होता है। देखो क्या होता है ना, सुनो एक चीज समझना। जैसे कुछ देर पहले जो तुमको ना क्वांटाइजेशन ऑफ एक्चुअली चार्ज समझा रहे थे ना, कुछ देर पहले जो तुमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझा रहे थे, तो तुमको क्या बताया कि मिनिमम चार्ज ये पॉसिबल है ना। अब क्या हुआ कि बाद में लोग बोला कि नहीं नहीं मिनिमम चार्ज इससे भी छोटा पॉसिबल है, जिसको बोला गया क्वार्क्स, है ना। तो मिनिमम चार्ज उससे ज्यादा उससे नीचे भी पॉसिबल है, ये सच बात है। लेकिन वो सब क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जो मैग्नेटिज्म में आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और इलेक्ट्रॉन को ना फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो डिवीजन कहीं पर भी देखोगे ये का क्वार्क्स का, वो ना न्यूट्रॉन का होगा, वो ना प्रोटॉन का होगा। वो इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा डिवीजन फर्दर पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सब चीजों में। अरे समझ आया मेरा बात? हेलो, अरे समझ आया मेरा बात? हेलो Yes, sir. चलो अब तुमको समझ में अगर चला आया तो सबको आ ही गया होगा, मान लिया था तो हेंस प्रूफ क्या इलेक्ट्रिसिटी द्वारे। अर्पित वैसे झूठ मूठ का भी बोल देता है। यस सर, बस दो चार लोग हमको ऐसा ही चाहिए जो सिर्फ बोले यस सर यस सर। हाँ चलो अब आता है एक चीज को और समझता है। जैसे मान ले कि अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है इस ऑब्जेक्ट में, एक और ऑब्जेक्ट ले लिए इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है ना। अब अगर मान ले कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के फिलहाल इसके पास नेट चार्ज कितना है? जीरो। इसके पास भी नेट चार्ज कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? यस सर, यस सर। अच्छा तुमको ये भी आशीष पक्का बताया होगा कि इस यूनिवर्स में लगभग हर एटम न्यूट्रल है। अरे नहीं बताया? यस सर। वो ना पक्का ये चीज बताया होगा कि यूनिवर्स में लगभग हर एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है भाई साहब, कि जितना उसके पास प्रोटॉन है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है कि नहीं यार? हेलो, यस सर। अब सोचो कि अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लाए और इसको वो साइड दे दें, अब इसके पास क्या बच जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, है नहीं यार? यस सर। अब 8
इलेक्ट्रॉन को तो 8 प्रोटॉन बैलेंस कर दे रहा होगा साहब, फिर भी 2 प्रोटॉन तो बच गया इसके पास, सही है ना। तो इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन जब ये अगर देगा तो नेट चार्ज क्या बोलेंगे, +2 सही है ना। Yes, अब इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन, -2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अरे समझ में आया मेरा बात। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स और इन नेचर, कुछ भी लिख ले, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। अच्छा कंजर्व्ड एक वर्ड है जो फिजिक्स में अप टू +2 सैकड़ों बार आएगा, कंजर्व एक वर्ड है जो तुम्हारे लिए फिजिक्स में बहुत बार आएगा, इसका सीधा सा मन के किसी कोने में याद रखना, किसका मतलब है कॉन्स्टेंट। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शब्द से नहीं तुम्हारा घबराना, बस तुमको ये समझ, जैसे ही कंजर्व दिखा मतलब वो कांस्टेंट हो रहा होगा। तो होता क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। अरे यही तो होता था। हेलो यस सर। हाँ तो जहां पर भी अगर मेरे को ये सब दिख गया कि भाई साहब कंजर्व है, मतलब सीधा सा मतलब मन के किसी कोने में दिखना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। अरे सही है ना। yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी जो चीज जो तुमको बता रहे कि चार्जेस आर कंजर्व, तो चार्जेस आर कंजर्व का मतलब क्या हुआ साहब, कि चार्जेस कांस्टेंट है। अब हम ऐसा क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जितना भी एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है, ये अपने को भाई पहले से पता है। तो कहीं से भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसी को दोगे ही ना यार। यस सर। अरे सही है ना सर, वो यूनिवर्स में घूमता रहता है, घूमता ही रहेगा यहाँ। सेकंड चीज ये है, सेकंड लॉजिक भी सुन लो। मैटर को मतलब शायद तुम सुना होगा कि भाई मास को ना तो हम लोग बना सकते हैं, नहीं हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं, कुछ ऐसा था ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ और अभी जस्ट बताया कि भाई तुम्हारा चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा, हमेशा हमेशा हमेशा, तो उसको ना तो हम लोग बना सकते हैं, नहीं हम लोग बिगाड़ सकते हैं। अरे यार आज जो हम लोग देखे वो हम लोग देखे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कल हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग चार्ज का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी 2-4-5 क्लास से एक्चुअली चार्ज भी चलेगा, उसके बाद आएंगे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में, तो तुमको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है ना। अरे ठीक है ना।